बस यही इनके मैं इनके फ्यूचर के लिए गुरु महाराज के आगे मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा। श्रीमती जी का तो ऐसे है कि इनको तो मैंने 12 साल यू कैन से के सारा कुछ बताता गया देश समाज का कैसे। मैंने दोनों को ऐसे कोई फोर्स नहीं किया, मैं कहा जब आपका मन होगा ना तब आना। तो मेरी मित्रता तो ऐसे है कि इन्होंने आपके सारी इतनी बुक्स मैंने नहीं पढ़ी जितनी इन्होंने पढ़ ली, तो सारी पढ़कर और मॉरल साइंस की तौर पर अपने स्कूल में बच्चों को भी कहानियाँ सुनाते होते और बच्चे कई दफ़ा कहते ये कह देते कि अच्छा भी आप कोई बुक ले आओ, तो वो एक दूसरे को कहते कि वो जिस पर देश समाज लिखा होगा ना वो बुक उठा कर लाना, फिर ये कहा वो सारी स्टोरीज वगैरह उनको उससे बताती। और बेटी का ऐसे है, बेटी पहले दिन से ही था, ये अपने स्कूल में भी अपने प्रिंसिपल से भी करती बातचीत, तो वो कहता कि कैसा है ये तेरा, बिल्कुल अलग से है दूसरे से, वैसे ये टॉपर है अपने स्कूल की, तो DPS बठिंडा में पढ़ती है। तो मैं भी कहा तो कहती कि हमारा जो रिलीजन है ये साइंस ग्राउंडेड रिलीजन है, क्योंकि इनको इतना बरसात में थे, उसने कहा कि अच्छा तो मेरे को भी कोई बुक ला कर देना, तो उसको प्रिंसिपल को भी दो बुक्स लेकर गई, तो उन्होंने पढ़ा कहते बहुत अच्छा है, तो इसका बहुत रिकॉर्ड करने लगे। तो ये बहुत अच्छा, मुबारक। श्री अनुभव जी बठिंडा से। सदैव की जय। अनुभव हमेशा ही देश समाज की शिक्षा है, खास के जितने भी बड़े हैं जिनसे हमारा वास्ता है, या जितने दुकानदार हैं जिनके पास ये रेगुलर खरीदारी करने जाता है, वो जब भी मिलते हैं हमेशा कहता है कि इस जैसा सम्मान करने वाला यंगस्टर हमारे पास कभी कभी आता है, तो आपके घर में जो कल्चर है उसकी हम बहुत तारीफ करते हैं। फिर इसकी एक और है, दया का भाव भी इसके में बहुत है, सेवा का भाव है। इसकी फरवरी की बात है, इसी फरवरी की, इसकी दादी जी का चूल्हा टूट गया, हॉस्पिटल में थे, तो कुछ मैं उस सेहत उस दिन मेरी ख़राब थी, तो एक अकेला हॉस्पिटल में रहा, तो उस दौरान कुछ कपड़े भी उनके गंदे हो गए, इसने आप सारा कुछ साफ किया, ज़मीन पर भी गिर गया वो भी इसने साफ किया। और ये और इसमें परोपकार का भी थोड़ा भाव है, ये ट्यूशन पढ़ने जाता है साइंस की, वहाँ जो 3-व्हीलर में पर जाने देता हूँ मैं, इसके स्कूटर पर जाने नहीं देता, तो कुछ 3-व्हीलर वाले 10 रुपये लेते हैं, कुछ 20 रुपये लेते हैं, तो ये जो 10 रुपये लेते हैं उनको भी इसकी कोशिश होती है कि मैं 20 ही दे आऊँ, तो इस तरह के बहुत सारे इसमें भाव हैं। बाकी ये 5वीं पीढ़ी है हमारी जो लगातार देश भर में है। मेरे पढ़ नाना जी सबसे पहले 110 साल से ज़्यादा पहले देश समाज में आए थे, फिर उन्होंने मेरे नाना जी को देश समाज स्कूल में ही पढ़ाया, वो दोनों सारी ज़िंदगी देश समाज के ही सेवक रहे। इसकी दादी जी श्रीमती ज्ञानवती जी 18 साल की आयु में देश समाज में आ गई थी, और एक बार सोलन के सत्संग में गई थी, फिर कभी घर वापस नहीं गई, जो कि मेरे जो उनके नानके हैं वो शहजादपुर में अच्छे परिवार है, राजनीतिक परिवार है, फिर भी उन्होंने भी उसका विरोध नहीं किया, तो इस बार काफ़ी उनकी तबीयत खराब थी, तो लगभग 70 साल के बाद पहली बार हुआ कि वो महोत्सव पर नहीं आ सके,
तो मैं इस डर के मारे नहीं लाया कि ठंड लग जाए कहीं कुछ हो जाए, तो दीदी ने अग्निश दीदी ने मोटिवेट किया था, स्पेशल फोन किया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार मैं भूल गया था, उसके लिए माफ़ी। ये 15.5 साल का हो गया, 14.5 साल का बन सकता था। मेरे को कल पिछली बार गलतफहमी होगी कि ये 13.5 साल का है, उसके लिए मैं माफ़ी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे श्री अजय कुमार जी अग्रवाल चंडीगढ़ से। विशेष सम्मान के योग डॉक्टर अजय कुमार जी अग्रवाल, ये एक ऐसे परिवारों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने देश समाज के इतिहास की रचना की है। आपके विशेष सम्मान के योग लाला रामजी दास, वो इधर से 8वीं फोटो उनकी है, लाला रामजी दास जी की। वो देश समाज के बहुत ही उच्च कोटि के कर्मचारियों में से थे। आपके नाना हैं और उन्होंने पूजनीय भगवान के बहुत, पूजनीय भगवान जब सोलन में आते तो बहुत उनका सब उनको देखभाल करते, पूजनीय भगवान खुद जाते उनका कमरा देखने के उसमें क्या किसी बात की कमी तो नहीं है। मेरे सेवक आ रहे हैं, कर्मचारी थे, और पूजनीय भगवान को पहली दफा उन्होंने कार के लिए बेनती की थी, बहुत जमीन बड़े साहूकार थे, कि महाराज आपकी सेहत खराब रहती है, आप कृपा करके कार ले ले, मैं आपको कार लेकर देना चाहता हूँ। तो पूजनीय भगवान ने इनकार कर दिया था, कहते हमारे जरूरत नहीं है, हमारा काम चल रहा है। तो उस परिवार से संबंधित हैं जो उस समय देव समाज में आए जब शरद श्रीमद देव सिंह जी से उनके द्वारा आए, श्रीमद सावण सिंह जी थे उनके, इनकी हवेली में गए सरदार सावण सिंह जी, श्रीमद सावण सिंह जी जिनको फरिश्ता तहसीलदार कहते हैं, और वहाँ उनकी बातों से वो उन दिनों तो कानू वो थे, जब वो गए इनके यहाँ ठहरे तो उनकी चार दिन की बातों से वो उनका दिल छुआ गया और वो सेवक बनने के लिए तैयार हुए। लेकिन वो थोड़ा सा घबराते थे अपनी बरादरी से, तो फिर धीरे धीरे वो ऐसे ही निकले कि देव समाज के उप कर्मचारी बने वो, और देव समाज के उन दिनों में जबकि मुखालफत बड़ी होती थी देव समाज के लिए, लेकिन वो अपने करैक्टर से, अपने स्वभाव से, अपने जीवन से उन्होंने इलाके में देव समाज का बहुत ज़्यादा वो नाम किया। और आपके जो विशेष सम्मान कृष्ण हितवलाशी जो देव समाज में आप जानते हैं, वो पहले हमारे 45 स्कूल के भी वो ही चेयरमैन रहे, वो आपके मामा जी थे। तो दोनों तरफ से वो कितने कमाल के थे, घटना बताता हूँ उनकी, कि वो बीजेपी के पंजाब के प्रधान थे और देव समाज के चौथी श्रेणी के मेंबर थे। तो रोटी खिलाने की जहाँ हुआ महोत्सव हुआ तो उसमें जो खाना खिला रहे थे वो श्रीमान हित, वो इनके नाना जी खिला रहे थे। तो वो जगह जगह जाते लोगों को पूछते, तो देव समाज को उस वक्त के सेक्रेटरी ने कहा, क्या मैं ये कहूँ कि बीजेपी का जो प्रधान है वो हमें खाना खिला रहा है? उन्होंने कहा नहीं, भगवान देवात्मक तो उससे वो खाना खिला रहा है। वो जिन दिनों मिनिस्टर थे और उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी, यहाँ उन्हें ये जब उग्रवाद था, उनका वो शहीद हो गए, कत्ल हो गए, एक तरह से उनको मार दिया गया, तो वो आते इसी ऊपर, हम सभाएं कराते थे, वो अपने गार्ड को नीचे खड़ा करते और आके पीछे बैठ जाते। मैंने एक दफ़ा उनसे कहा, श्रीमा जी आप आगे आके बैठे, कहते नहीं श्रीमा जी मैं यहाँ ही हूँ, वहाँ ठीक समझता हूँ, बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। वो इन परिवारों से आए, वो आप के जो दादाजी थे वो जो मोगा में फिरोजपुर में स्कूल है कन्या महाविद्यालय, उसके प्रिंसिपल थे, और वो लोग थे
जिन्होंने फिरोजपुर जो विद्यालय थे, फिरोजपुर की जो अब कल बहुत बड़ा नाम है, इसकी जड़ों में जो नैतिकता का उन्होंने वो पसीना डाला, उसकी वजह से वो संस्थाएं बहुत मशहूर हुई। वो वहाँ के हेडमास्टर थे स्कूल के, बहुत सम्मान के योग हरिदास जी। तो वो एक आदमी अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए, उन दिनों लड़की को पढ़ाते नहीं थे लोग, बहुत कम आते थे बाहर से, पढ़ाने के लिए आए तो उन्होंने देखा एक आदमी बाहर झाड़ू दे रहा है, तो उन्होंने कहा जी मैं हेडमास्टर साहब से मिल रहा है, मैं अपनी बच्ची दाखिल करानी है। वो कहाँ मिलेंगे? वो कहते आओ मेरे साथ, मैं मिलाता हूँ। तो वो गए झाड़ू कमरे में रख के आए, अपना एक दूसरा कुर्ता डाल के आ गए। तो वो कहने लगा जी मैं तो बहुत ठीक जगह लड़की दाखिल कराने आ गया कि आज तक मैंने देखा नहीं कि किसी कॉलेज का, किसी स्कूल का कोई हेडमास्टर जो है वो स्वयं झाड़ू दे रहा है सारे। वो बहुत गुरु महाराज का जमाना था वो, और बड़े बड़े कर्मचारी थे, इसलिए त्याग और तपस्या जो थी वो आपकी फैमिली में थी। आपके जो शरद पिताजी हैं, पिताजी थे वो जानते, उनको कई उन्हें दर्शन भी किए होंगे, देश समाज काउंसिल के मेंबर थे। फिरोजपुर जो कॉलेज है हमारा, जहाँ मधु जी आजकल, वहाँ के प्रिंसिपल थे, विशेष सम्मान के योग श्रीमान धर्मवीर जी। श्रीमान धर्मवीर जी को मैं जाती तौर पर बहुत नज़दीक से देखा है और मैं उनके लिए बहुत श्रद्धा रखता हूँ। वो एक महान इंसान थे। जब वो 2.5-3 घंटे के थे तो उनकी माननीय माता जी का डेथ हो गई, उनके नाना जी उन्हें रायपुर रानी में ले गए, वहाँ के साहूकार थे वो, और वहाँ ही पढ़े वो। वो कहा करते थे कि मैं अछूत स्कूल का पढ़ा हुआ। उनके नाना जी जो थे वो देशमा जी थे, जहाँ वो लेकर गए, तो उन्होंने अछूत स्कूल खोला हुआ था गांव में दोनों, तो वो सारे बच्चे अपने अछूत स्कूल में पढ़ाते थे। कन्विक्शन हो तो फिर ऐसी, ये नहीं कि अपने बच्चे वो अमीर थे बाहर भेजते हैं, वहाँ ही उन्होंने अपने दोते को पढ़ाया, हमारे मान्य वीर जी हम कहते, वीर जी को पढ़ाया, और वहाँ से पढ़कर वो गए और लाहौर जाके आगे और विद्या हासिल की। शरदे श्रीमाईश्वर सिंह जी के कर चरणों में रहे, तो वो एक टावरिंग पर्सनैलिटी थे। वो देव समाज में जिन लोगों की शिक्षा को फिलासफी पे अथॉरिटी माने जाते हैं, उनमें से माननीय वीर जी एक थे, इनके श्रद्धे पिता। उनके आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, और उन्होंने आत्मा के संबंध में 10 आर्टिकल लिखे हैं, नेचर के संबंध में लगातार 10 आर्टिकल लिखे हैं, जो मैं छुपा कर किताब सी बना के छापना चाहता हूँ। बहुत वंडरफुल है। और उनके जीवन में और जो उन्होंने देव समाज को देन है, वो शायद और कोई ना दे पाए। उन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, पहले तो मैं वो बात बताता हूँ, प्रॉपर्टी वो देव समाज को दी है। ये गुड़गांव की सारी जमीन जो अरब रुपए से भी ज़्यादा है, वो उन्होंने आप फिरोजपुर काला से पैसे जो बचाए उसके लिए देव समाज को वो दे दी थी। वो पैसे जाके वो ज़मीन खरीद दी और वो देव समाज के नाम उसका रजिस्ट्री करा दी, उनकी तरफ से दी हुई है। ये जो 21 का स्कूल है, ये भी आपके शरद पिताजी ने बना के दिया है। ये वहाँ का जमीन भी उन्होंने देखा, स्कूल भी बना के दिया, बिल्डिंग भी उन्होंने बना के दी है, वो दी है। और भी स्कूलों में जो 21 बने वहाँ, जिसमें नेहरू नगर का स्कूल है, जो ये जमीन खरीदने में भी उन्होंने मदद की। बहुत जीनियस थे, हर पहलू में जीनियस थे। तो उनको जीवन पाथ अखबार के एडिटर थे, देश समाज काउंसिल के मेंबर थे, और इसके साथ वो एक बहुत नैतिक तौर पे और स्पिरिचुअल तौर पे बहुत ही टावरिंग पर्सनैलिटी थे। उनकी 2-3 घटनाएं सुनाना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। ये जब वो उनकी छोटी उम्र से, जब मैंने पता छोड़ कुछ घंटों के थे, तो आपके शरदे पिता ने दूसरी शादी कर ली, तो जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने एक वसीयत छोड़ी, उसमें जहाँ उन्होंने अपनी दूसरी जो धर्मपत्नी थी, उनके बच्चे और उनके लिए भी सारा कुछ किया, वहाँ उन्होंने वीर जी के लिए 50,000 रुपया नकद छोड़ा। जब उन्होंने वो वसीयत पढ़ी और रुपया उनके पास उन्होंने लिया, तो आम बड़े से बड़ा इंसान भी ये सोचना बड़ा मुश्किल है। तो वो अपनी, जिसको हम बोलचाल में सुतीली माता जी कहते हैं, उनके पास गए 50,000 रुपया लेकर।
कहते माता जी ये तो आपका है, ये रुपया तो आपका है, माँ का रुपया मैं कैसे ले सकता हूँ, तो माँ को दे दिया। ऐसा बच्चा मुझे ला के दिखाएं, बहुत बहुत असाधारण व्यक्ति थे। और ये जो स्कूल 21 का बना, इसके उद्घाटन के लिए बड़े बड़े आदमी यहाँ चंडीगढ़ से, उनके वाकफ थे, वो आ सकते थे, उनको ला सकते थे। उन्होंने चुनाव किया शरद श्रीमण ईश्वर सिंह जी का, जिनके पास उनके शरद पिताजी उनको स्टूडेंट जब वो दाखिल हुए मौका में, तो वहाँ उन शरद श्रीमान जी के चरणों में उनको छोड़ा। तो वहाँ वो कहा करते थे कि श्रीमान जी के परोपकारी जीवन से मेरे ऊपर इतने गर्व के प्रभाव पड़ते थे कि मेरा दिल करता था कि मैं श्रीमान जी के चेहरे की तरफ ही देखता रहूं। श्रीमान जी बड़े इंप्रेसिव पर्सनैलिटी थे। ये इधर फोटो है, बीच में लगी थी शरद श्रीमान ईश्वर सिंह जी, ये उन दिनों वहाँ स्कूल में थे। तो उनको श्री उन्होंने वीर जी ने कहा कि श्रीमान जी कृपा करके उस स्कूल का इनॉग्रेशन करना है, तो आप आए वहाँ पे, तशरीफ लाए। श्रीमान जी गए, शरद श्रीमान जी और भी थे, संबंधी काफ़ी इकट्ठे हो गए, तो वो सारा कुछ हुआ। लेकिन जो बाद में वीर जी ने बात की वो वही कर सकते। उन्होंने शरद श्रीमान जी को कहा, बेनती की कि श्रीमान जी मैं एक थोड़ी सी आपसे बेनती करना चाहता हूँ स्वीकार की। उनको बताइए, वो धर्मवीर कहते थे, धर्मवीर बताओ क्या बात है। कहने लगे मैं आपके पाँव धोना चाहता हूँ। वो बुलाया तो नहीं था, वो चीफ गेस्ट थे वहाँ के, तो श्रीमान जी मान गए। जो वीर जी को जानते थे कि बहुत सात्विक जीवनधारी इंसान है, तो कुर्सी पे बैठ गए। वीर जी जूता खोल के नीचे पाँव में बैठ गए। वो दृश्य बहुत फरिश्तों के देखने वाला है कि वो नीचे बैठ गए, उनकी आंखों से आंसू बहते थे और वो श्रीमान जी के पाँव धो रहे थे। फिर वो तौलिया से पूछा, फिर सारा किया, फिर उनके पाँव में सिर रख कर प्रणाम किया। ये वीर जी, ये आपके शरद पिताजी थे। इसलिए महान, दोनों तरफ से महान, नाना के महान, नानी के महान, माता के, इनकी जो माता थी श्रीमती विशेष रमण के सातवती जी, वो भी स्कूल की फिर बाद में प्रिंसिपल बड़ी, जो गर्ल स्कूल है वो फिरोजपुर का। तो ये डॉक्टर साहब तो कमाल के इंसान हैं, ये तो खुद बड़े महान हैं। ये दरअसल महान पिता के, महान माता के महान सपुत्र हैं। मैं तो बहुत इनको जानता हूँ। यहाँ इन्होंने जो कर्मचारियों की सेवाएं की हैं, जिस तरह श्रीमन विकास देव जी की सेवा की है, कोई सेवक चले जाए, इनका अपना बहुत बड़ा हॉस्पिटल धर्म हॉस्पिटल है। इनके दोनों बच्चे जो हैं वो डॉक्टर हैं और हार्वर्ड से पढ़े हुए, बहुत बड़ी विद्यिक तौर पे भी बहुत विकसित है ये फैमिली है। तो इन्होंने देव समाज से कभी पैसा नहीं लिया। तो मैंने एक